आपका पर्सन अभी बहुत रिग्रेट कर रहा है और आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं। आई एम श्योर कि आपको जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट? तो सुनिए व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये कि आप दोनों विद टाइम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो। ये डिस्टेंस पहले बस इमोशनली बड़ा था पर अब ये फिजिकली भी बढ़ चुका है। आप दोनों ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं की पर जो भी हो जाए आप उनके लिए काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हो और यही रीज़न है कि आप आज तक उनके बारे में सोचते हो और ये सोच आपको हर पल कांटे की तरह चुभती है। स्पेशली बिकॉज आपको कभी प्रॉपर क्लोजर या आंसर नहीं दिया कि वो चाहते क्या हैं एक्चुअली। जब हम अपनी लाइफ में किसी इंसान से दूर हो जाते हैं और वो इंसान हमारे इतने करीब हुआ करता था तब जो यादें हैं ना वो हमें बहुत सताती हैं। स्पेशली वो यादें जो अच्छी हों, हम उनके प्रेजेंस को मिस करते हैं और यही चीज़ है जो आई सी आपके साथ हो रही है। आप एक अजीब सिचुएशन में हो जहाँ से ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही पीछे आ पा रहे हो। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या चाहिए। मैं ये फील कर सकता हूँ कि यहाँ से आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। आपने काफ़ी कुछ एस्टैब्लिश किया है और आपकी सारी एस्टैब्लिशमेंट्स पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। जब आपका रिलेशनशिप टूट गया था तो आपको लगा था कि आप टूट जाओगे और ख़ुद को हैंडल नहीं कर पाओगे बिकॉज आप अपने पर्सन पे इमोशनली काफ़ी डिपेंडेंट थे पर आपने पूरी चीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली हैंडल करा और यही बात आपकी सबसे अच्छी है जिसकी वजह से आप इतने सक्सेसफुल हो पाए हो। आपने जो मैच्योरिटी दिखाई है उसकी दाद देनी ही पड़ेगी बिकॉज ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो टूट के बिखर जाएं पर अपने टूटे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़कर उसमें से उठ पाएं। पर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपने इतने मैच्योरली सब कुछ हैंडल करा पर फिर भी आप सोचते हो कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपना 100% दिया और आपको नाज होना चाहिए खुद पर। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके रास्ते को रोक कर रखा था, कहीं ना कहीं वो आपके वे में बैरियर बने हुए थे और आपको वो हासिल करने नहीं दे रहे थे जिसके आप हकदार हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उन्होंने डायरेक्टली आपको बोला था कि आप अपने सपनों की तरफ वर्क ना करो। इनफैक्ट उन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया था ताकि आप और अच्छा काम कर सको। बट एक्चुअली उनके थॉट्स ने आपको इतना डुबो कर रख दिया था कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था अपने करियर पर फोकस करने का। जब आप किसी से प्यार करते हो और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो आप भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। वो चीज़ आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा ले लेती है और आपके साथ भी यही हुआ। आपका पर्सन आप दोनों के बॉन्ड पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था और आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा था। आई फील कि आपका पर्सन और आपके बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया था और टेम्पररीली आपके पर्सन का दिल उन पर चला गया था। आपके अगेंस्ट वो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करते गए और आपका पर्सन भी वीक होता गया। उन्होंने बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं दिखाई और ये चीज़ बहुत बुरी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एक रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ जाता है तब सब कुछ ख़राब हो जाता है और आप लोगों के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। वो उस थर्ड पर्सन की बातों में इन्फ्लुएंस होते रहे और बस उनका अंजाम यही हुआ कि आप उनसे दूर चले गए। अब इस बात को वो जितना भी रिग्रेट करें लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। अभी आपके पर्सन के पास पानी की तरह सब कुछ क्लियर है कि कौन अच्छा था और कौन बुरा। इस दुनिया में ना कोई भी टोटली अच्छा नहीं है पर आई फील आप उनके लिए बहुत अच्छे थे। आपने उनके लिए जितना कुछ करा था
उस बात का कर्ज वो कभी नहीं चुका पाएंगे, पर उन्हें ये भी पता है कि इस चीज़ को उन्होंने अपनी गलती से ही खोया। उन्होंने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था ना कि आप थक गए थे, और आप दोनों के बीच में आग लगाने के लिए वो थर्ड पर्सन तो था ही जो इन सब चीज़ों का कारण था। ये जो भी हुआ आपके साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ। उन्होंने आप जैसे इंसान को इतना रुलाया, इतना हर्ट किया, और उन्हें पता है कि ये सब करने का कर्मा भी वो भुगतेंगे। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप दोनों के बीच में प्यार तो काफ़ी ज़्यादा था ही, और आपके पर्सन की साइड से भी इनिशियली काफ़ी प्यार और अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सही थे, पर जब वो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया तब से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अभी तो उनके पास क्लैरिटी है कि हर एक स्टेप में कैसे उन्होंने आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट किया। मिसअंडरस्टैंडिंग मेन रीज़न था कि आप दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स होते थे। सबसे बुरी चीज़ ये थी कि आपका पर्सन चीज़ों को समझने के लिए रेडी नहीं था। उन्होंने कम्युनिकेट ही नहीं करा कभी आपसे इन सब को लेके, और आप भी बस डिसअपॉइंटेड होते होते एक दिन बर्स्ट हो गए। आप भी सहते तो आखिर कितना। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप कभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आपका पर्सन आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ अचानक कि वो इतना चेंज हो गए। आई एम श्योर कि आपको कभी भनक भी नहीं लगी कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आया था। आपका पर्सन अभी बहुत रिग्रेट कर रहा है और आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं। आई एम श्योर कि आपको जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट? तो सुनिए, वो आपके बारे में सबसे पहली चीज़ ये सोचते हैं कि वो कितने सॉरी हैं और गिल्टी हैं कि उन्होंने आपका प्यार ठुकराया, पर वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, और ये फ्यूचर बहुत खूबसूरत होगा जहां आप दोनों बहुत खुश रहोगे और वो एक बेटर पर्सन होंगे। वो बस सोचते हैं कि काश वो एक बार आपको अपनी आंखों के सामने देखें तो उनका दिन अच्छा जाएगा। पर अभी वो ये भी जानते हैं कि उनको आपसे दूर रहना होगा, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हो, और वो नहीं चाहते कि वो आपके रास्ते में बाधा बने। वो सोचते हैं कि वो कितने इमेच्योर थे और ना समझते कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया और आप दोनों का बॉन्ड तोड़ दिया। अगर थोड़ा वाइजली उन्होंने सोचा होता तो शायद आप दोनों खुश रहते। आप एक ऐसे इंसान हो जो उन्हें उनकी लाइफ की सारी नेगेटिव चीज़ों को भुला देने में हेल्प करते हैं। आप नहीं होते तो उनकी लाइफ आज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती, और ये डिफरेंस कुछ खास अच्छा नहीं होता। उनको पता है कि आप ही वो इंसान हो जो उन्हें खुश रख पाएगा और ज़िंदगी में आगे चलने में हेल्प करेगा। आप उनको जैसा फील कराते हो वैसा वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। आप इतने अच्छे हो कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ में उन्होंने एक ऐसा इंसान पाया तो आखिर कैसे, और वो खुद को कोसते हैं कि उन्होंने आपको इतना क्लोजली पाने के बावजूद आपको खो दिया। वो एम्बैरेस्ड हैं कि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से आपको ट्रीट करा। उनका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि वो आपको हर्ट करें, वो बस खुद की फीलिंग्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करते करते उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, और आज ये सिचुएशन पे आप दोनों खड़े हो। वो आपके सामने सब कन्फेस करना चाहते हैं, बट उनका गिल्ट इतना ज़्यादा है कि वो ये कर नहीं पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें आपके लिए कितनी डिफ़िकल्ट होंगी, पर आप स्ट्रांग हो और आपको खुद पर हौसला रखना होगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन टेम्पररी है और परमानेंट नहीं रहने वाली। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। मून एनर्जी।
ये फेरी तभी आती है जब हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं या हम कंफ्यूज्ड फील कर रहे होते हैं अंदर से। ये फेरी आपको यहाँ कहना चाहती है कि इस वक्त आप जो भी चैलेंज और स्ट्रगल फेस कर रहे हो, सिर्फ उसके सॉल्यूशन पर ही फोकस बनाओ, बाकी सारी कंसर्न्स यूनिवर्स खुद पर खुद दूर कर देगा। आपकी जो भी विश है, आपको उसके डिज़ायर का सीड अपने अंदर प्लांट करना है और उसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ये मून फेज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स कई गुना बढ़ा देगा। आपको छोड़ने का पछतावा उन्हें कैसे तरसाएगा, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।